हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव। जिस धरती पर भगवान ने दुई दुई अवतार लिए, उही हरदोई का हमारो प्रणाम हुई। भक्त प्रहलाद की धरती के सब लोगन के हम पांव छुअत है। आपका ये उत्साह, ये जोश हम सभी के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये धरती शांडिल्य ऋषि की तपोस्थली है। हरदोई की पुण्य भूमि से होली जैसे पवित्र त्योहार का जुड़ाव हम सभी जानते हैं, और मुझे पता है इस बार हरदोई के लोगों ने, यूपी के लोगों ने दो बार रंगों वाली होली खेलने की तैयारी कर ली है। पहली होली 10 मार्च को भाजपा की बंपर जीत के साथ मनाई जाएगी। मनाएंगे ना, इधर से आवाज नहीं आ रही, मनाएंगे ना। लेकिन अगर होली 10 मार्च को धाम धूम से मनानी है तो अभी तैयारी पोलिंग बूथ में करनी पड़ेगी। करोगे? एक एक पोलिंग बूथ में करोगे? घर घर जाओगे? देखिए, आप लोगों पर मेरा कोई हक है, मैं बता सकता हूं ना आपको, मैं काम बता सकता हूं ना, क्योंकि आपने शायद ही कोई ऐसा चुनाव होगा कि मुझे न बुलाया हो और मैं आया न हूं। अगर आपके कहने पर मैं हाजिर हो जाता हूं तो मेरे कहने पर आप बूथ में लग जाएंगे ना, पक्का लग जाएंगे। आज तीसरे चरण में भी बिना बटे एकजुट होकर कमल के निशान पर भारी मतदान हो रहा है। अब तक जो खबरें मिली हैं बहुत उत्साहवर्धक है, और आज यूपी के साथ साथ पंजाब में भी वोट पड़ रहे हैं। वहां के लोग भी पंजाब के विकास, पंजाब की सुरक्षा और देश की अखंडता के लिए बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं, भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। भाइयों बहनों, यूपी के अगले चरणों की जिम्मेदारी भी आप लोगों ने ले रखी है। जो तुष्टीकरण की खतरनाक राजनीति में हमारे त्योहारों को रोकते थे, उन्हें यूपी की जनता का उत्तर 10 मार्च को मिल जाएगा। मिलेगा ना? 10 मार्च को जवाब मिलेगा ना? साथियों, हरदोई के लोग
ये बात जानते हैं, अत्याचार, आतंक और छल कितने भी ताकतवर क्यों न हो जाए, सच्चाई के आगे वो टिक नहीं सकते। आप याद करिए, 5 साल पहले माफियावादियों ने यूपी का क्या हाल बना दिया था, व्यापारियों को व्यापार करने में डर लगता था, राहजनी छिनेती लूट आम बात हो गई थी, लोग कहते थे दिया बरे घर लौटाओ, ये कहते थे कि नहीं कहते थे, दिया बरे घर लौटाओ। हरदोई वालों ने वो दिन देखे हैं, कैसे इन लोगों ने कट्टा और सट्टा, एक कट्टा और सट्टा वालों को खुली छूट दे रखी थी। हमारी माताएं परेशान रहती थी कि बेटे बेटी घर से निकले हैं तो रात शाम को सुरक्षित घर लौट आए, कोई दुर्घटना उनके साथ न हो जाए। अपराधियों को इन घोर परिवारवादियों की सरकार का पूरा संरक्षण होता था, लेकिन हरदोई की जनता देख रही है कि आज कैसे सबका हिसाब हो रहा है। हिसाब हो रहा है कि नहीं, बराबर ठीक हो रहा है ना? माफिया अपराधी खुद जमानत रद्द करवाकर जेल के भीतर पहुंचे हुए हैं। भाइयों और बहनों, बुरी तरह चुनाव हार रहे इन घोर परिवारवादी अब जात पात के नाम पर जहर फैलाएंगे, लेकिन आपको केवल एक ही बात याद रखनी है, एक ही मंत्र, यूपी का विकास विकास विकास, देश का विकास विकास विकास। ये वो लोग हैं जो कुर्सी के लिए अपने परिवार से भी सबसे लड़ जाते हैं, इसलिए ये घोर परिवारवादी किसी जाति या समाज के लिए भी नहीं हो सकते। साथियों, यूपी में आपने जिस डबल इंजन की सरकार को आशीर्वाद दिया है वो किसी एक खानदान की सरकार नहीं है। कोई कह सकता है क्या कि यूपी में खानदान की सरकार है? कोई कह सकता है दिल्ली में भारत की सरकार खानदान की सरकार है? कोई कह सकता है क्या ये गरीब किसान नौजवानों की सरकार है? हमने 5 साल आपके लिए जी तोड़ मेहनत की है, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि 2014 से लेकर 2017 के बीच यूपी में
इन परिवारवादियों ने एक भी काम में मेरा साथ नहीं दिया। भाइयों, मुझे बताइए, यूपी का मैं सांसद हूं, यूपी के लोगों की मदद से मैं प्रधानमंत्री बन गया, और मैं यूपी के लिए कोई काम करूं और लखनऊ में इनकी सरकार बैठी थी, 17 तक मुझे कोई काम नहीं करने दिया। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को फिर से अगर लाओगे तो मुझे काम करने देंगे क्या? जरा पूरी ताकत से बताओ ना, मुझे काम करने देंगे क्या? आपका भला करने देंगे क्या? माताओं बहनों की सेवा करने देंगे क्या? नौजवानों के लिए काम करने देंगे क्या? तो ऐसे लोगों को आने देना है क्या? आने देना है क्या? पक्का? इन लोगों ने ठान लिया था कि यूपी में विकास का कोई काम केंद्र सरकार को करने ही नहीं देंगे। अरे इतने शर्माते थे, इतने शर्माते थे, शायद भीतर से इतने कांपते थे कि मैं यहां आता था, कार्यक्रम करता था, वो मेरे साथ मंच पे ले आते थे, एयरपोर्ट से ही भाग जाते थे। उनको डर लगता था कि कहीं कुछ पूछ लेंगे और मैं कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा तो क्या होगा। साथियों, यूपी में गरीब के लिए काम तब शुरू हुआ जब 2017 में आपने यहां डबल इंजन की सरकार बनाई। इन 5 सालों में हमने हरदोई के करीब 70,000 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास दिए। यह आंकड़ा याद रहेगा आपको? आंकड़ा आपको याद रहेगा? मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं भाई, ये आंकड़ा आपको याद रहेगा? हरदोई में हमने आकर के योगी जी की सरकार बनने के बाद 70,000 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास दिए। लेकिन इसके समय में हरदोई में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शायद मुश्किल से आप उंगली से गिन सको इतने घर भी नहीं बनाए थे। क्या ये गरीब का भला हुआ था क्या? हमने गरीब का भला किया कि नहीं किया? गरीब को पक्का घर मिला मतलब नई जिंदगी मिली कि ना मिली? इनके समय में शौचालय बने, गरीब के लिए शौचालय बने। कितने बने? 34,000। आंकड़ा याद रखोगे आप? आंकड़ा याद रखोगे कितने शौचालय बने? 34,000। योगी जी के आने के बाद कितने शौचालय बने? उनके जमाने में 34,000, योगी जी के जमाने में 5,00,000। कहां 34,000 और कहां 5,00,000? ये पैसा कहां जाता था भाई? ये योगी जी के पैसे गरीब के घर तक पहुंचते थे, शौचालय बनता था, हिसाब लिया जाता था, और उनके जमाने में 34,000 बने। बाकी क्या हुआ ये तो आपको पोलिंग बूथ पे जाके बताना होगा। इसी तरह योगी जी की सरकार आई तब हम पूरे प्रदेश में गरीब बहनों के लिए उज्ज्वला के गैस सिलेंडर दे पाए, गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड की सुविधा दे पाए।
योगी जी की सरकार ने अभियान चलाकर बिजली को हर घर, गरीब के घर तक बिजली पहुंचाया, नई बिजली कनेक्शन दिए, गांव गांव बिजली पहुंची है। लेकिन भाई और बहनों, जिन्होंने तब आपके घरों को अंधेरे में रखा, सिर्फ अपना घर रोशन किया, वो आज आपसे झूठे वायदे कर रहे हैं। आप याद करिए, इनके समय में आपके गांवों में दिन में कितने घंटे बिजली आती थी, याद करिए हफ्ते में कितने घंटे बिजली आती थी। मुझे बराबर याद है, उत्तर प्रदेश में बिजली अगर आती है तो खबर बन जाती थी। एक जमाने में बिजली का जाना स्वाभाविक था, जैसे घर में कभी साल में एक दो बार मेहमान आ जाए वैसे बिजली यहां मेहमान की तरह आती थी। ये भी याद करिए कि एक बार अगर ट्रांसफार्मर जल गया, तो कितने महीने लग जाते थे और कितने कितने बाबुओं के पैर पकड़ने पड़ते थे और पता नहीं कितनी कितनी दक्षिणा देनी पड़ती थी, कितना प्रसाद चढ़ाना पड़ता था, तब जाकर के एक ट्रांसफार्मर रिपेयर होता था। ये गौर परिवारवादी आपको बिजली नहीं, बिजली का झटका देने के लिए तैयार बैठे हैं। जिनके काले कारनामे ही अंधेरे में फलते फूलते हो, वो परिवारवादी कभी भी प्रदेश को उजाला नहीं दे सकते। साथियों, माफियावादियों की सरकार में एक बड़ा गोरख धंधा जमीन पर अवैध कब्जों का भी चलता था। इनके नेताओं के गुर्गे किसी की भी जमीन पर अपना कब्जा समझने लगते थे, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने इनके इस धंधे का शटर भी गिरा दिया। स्वामित्व योजना के तहत हम गांव में ड्रोन के जरिए जमीनों का लेखा जोखा तैयार करवा रहे हैं। आसमान से जमीन की नपाई हो रही है और जमीन के मालिक को मालिकाना दिया जा रहा है, प्रॉपर्टी कार्ड दिए जा रहे हैं। यानी दबंगई और कब्जे का खेल खत्म। यूपी में हमारी सरकार 23 लाख से ज्यादा 23 लाख से ज्यादा लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण कर चुकी है, प्रॉपर्टी कार्ड दे चुकी है और ये काम आगे भी चलने वाला है। योगी जी सरकार में वापसी के बाद इस अभियान को बहुत तेज किया जाएगा। भाइयों और बहनों, वंशवादी, परिवारवादी, भ्रष्टाचार में लिप्त लोग, तुष्टीकरण की राह पर चलने वाले लोग कभी भी गरीब का भला नहीं कर सकते।
आप देखिए, कोरोना की इतनी बड़ी वैश्विक महामारी आई, हमने किसी भी गरीब को भूखे नहीं सोने दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए हर गरीब को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पूरी दुनिया में इतनी बड़ी महामारी आई है, पूरी दुनिया में, लेकिन भाइयों बहनों, मैंने कभी मेरे गरीब परिवार को भूखा सोने नहीं दिया है। गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, इसके लिए दिन रात काम किया है। भाइयों बहनों, ये बातें टीवी में आती हो या ना आती हो, अखबार में छपती हो या ना छपती हो, लेकिन जब सच्चे मन से पवित्र संकल्प के साथ सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से जब काम करते हैं ना, तो गरीब के दिलों में जगह बन जाती है। मैं कल ये सोशल मीडिया में एक वीडियो देख रहा था और मेरा मन करता है वो मैं आज बात बताऊं, मैंने क्या देखा, बताऊं ना। मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने, खास करके मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों के सामने, ये बात मेरे दिल को छू गई, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। उस वीडियो जो मेरे पास पहुंचा, उसमें एक बहुत ही गरीब बुजुर्ग महिला, और मैं देख करके कह सकता हूं शायद उस मां को कभी स्कूल में जाकर के पढ़ाई करने का बहुत सौभाग्य नहीं मिला होगा, ऐसी एक गरीब बुजुर्ग मां एक ऐसे ही, आजकल जाते हैं ना टीवी, हमारे ऐसे मित्र सारे, तो ऐसे कोई डंडा लेकर के पहुंच गया इंटरव्यू करने के लिए, वो गरीब मां को तो क्या मालूम, वो आके खड़ा हो गया। उसने ऐसे ही उनको जरा टेढ़े मेढ़े सवाल पूछना शुरू किया। उस गरीब महिला बुजुर्ग मां से पूछा कि आपके यहां चुनाव कब है, और मजा ये है, उस मां ने सही तारीख बताई कि फलानी तारीख को हमारे यहां चुनाव है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह दिया मां ने, ताकि वो आकर के सर खाए नहीं, नया सवाल पूछे नहीं, उन्होंने कहा चुनाव है फलानी तारीख को और हमने नमक खाया है, हम धोखा नहीं देंगे। एक गरीब बुजुर्ग अनपढ़ मां उस बुजुर्ग महिला से फिर पूछा, किसका नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी? तो उस मां ने कहा, मोदी का नमक खाया है। वो बुजुर्ग महिला के साथ उनके बुजुर्ग पति भी बैठे थे, उन्होंने भी, उस मां ने जो कहा उनके पति देव ने भी उसको समर्थन दिया, हां में हां मिलाई। फिर उस बुजुर्ग महिला से पूछा गया कि मोदी ने ऐसा क्या किया है। साथियों, इस गरीब बुजुर्ग मां ने उत्तर दिया, ये उत्तर मैं कभी भूल नहीं सकता। उस मां ने कहा, मोदी राशन दो हमें। फिर दोबारा कहा मां ने, मोदी राशन दो हमें। भाई और बहनों, फिर बाद में उस महिला ने बताया, उस मां ने बताया
कि कितना राशन उनके परिवार को मुफ्त मिल रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि वो बूढ़ी मां जो कभी मुझे मिली नहीं है, वो मां इतना मुझे आशीर्वाद दे रही है। जब इतनी माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद दे रही हो तो भाइयों बहनों, मुझे काम करने का हौसला बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा कि नहीं करूंगा? हर नागरिक के लिए करूंगा कि नहीं करूंगा? माताओं बहनों के लिए करूंगा कि नहीं करूंगा? नौजवान के लिए करूंगा कि नहीं करूंगा? आप जब इतने आशीर्वाद देते हो तो जिंदगी किस काम की मेरे भाइयों बहनों, ये आपके लिए है। आपका ये प्यार, ये आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, दोस्तों आपका प्यार सर आंखों पर। दिल्ली के सत्ता के जिन गलियारों में ज्यादातर समय अमीरों और परिवारवादियों का कब्जा रहा, वहां आज आप सबने एक गरीब मां के बेटे को आपकी सेवा के लिए बिठाया है। साथियों, दिल्ली में बैठ करके आपके इस प्यार की ताकत को मैं भी नहीं समझ सकता। इतना प्यार, इतना प्यार। शायद दोस्तों आज के युग में इतने टीवी मीडिया का जमाना हो, भांति भांति की बातें चलती हो, उसके बाद भी जनता जनार्दन जब इतना आशीर्वाद देती है तो भगवान के आशीर्वाद के बराबर होता है। मैं जानता हूं कि महामारी के समय में मुफ्त राशन की योजना ने गरीबों की कितनी बड़ी सेवा की है। यूपी के गांव गांव में इस तरह की चर्चा के मुझे कई संदेश मिले हैं, जहां लोग यही कह रहे हैं कि हमने मोदी का नमक खाया है, हम मोदी को धोखा नहीं देंगे। लेकिन साथियों, मैं ये भी कहूंगा, हम सबने, मेरी ये बात ज्यादा याद रखिएगा, हम सबने मां भारती का नमक खाया है, हिंदुस्तान का नमक खाया है। हम सबका परिश्रम हिंदुस्तान के लिए होना चाहिए, मां भारती के लिए होना चाहिए, हमारे देश के लिए होना चाहिए। हम सबका लक्ष्य यही होना चाहिए कि
कि गरीब के जीवन से हम मुश्किलें कम से कम जल्द से जल्द कैसे करें। जब गरीब की चिंता हो तो गरीब का कल्याण सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। यही काम हमने कोरोना के टीके के लिए भी किया। गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े किसी को भी ये नहीं सोचना पड़ा कि अमीर को कोरोना का टीका तो लग जाएगा लेकिन हम गरीब क्या करेंगे, ये उसको कभी सोचना नहीं पड़ा। भाइयों बहनों, आप सबका टीका लगा है? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, आप सबका टीका लगा है? आपको एक पैसे का खर्चा हुआ है? मुझे बताइए, पहले की सरकारें होती तो ऊपर ऊपर के लोगों को टीका लगता, गरीब के घर टीका पहुंचते पहुंचते 10-10, 20-20 साल लग जाते भाइयों बहनों, लेकिन मैंने घर घर टीका पहुंचा दिया। हमने टीका लगाकर हिंदुस्तान के मेरे हर भाई बहन को, गरीब से गरीब को भी सुरक्षा का कवच दिया है। लेकिन जरा याद करिए, उस मुश्किल समय में ये गौर परिवारवादी, ये आपके आशीर्वाद जो पचा नहीं सकते हैं, ये लोग क्या कह रहे थे? ये लोग भारत में बनी वैक्सीन को बदनाम करने के लिए भांति भांति की अफवाहें चला रहे थे, भ्रम फैला रहे थे, लोगों को डरा रहे थे। ये लोग चाहते थे कि गरीब टीके से वंचित रह जाए, उसका जीवन खतरे में पड़ जाए। आज आपका व्यापार, धंधा, रोजगार फिर से पटरी पर लौट रहा है तो ये वैक्सीन की वजह से ही तो संभव हो रहा है। यही ये लोग इस भली बात को पहचान नहीं पाते, पचा नहीं पाते, और ये यही चाहते हैं कि लोग वंचित रह जाए, दुखी रहे। भाइयों बहनों, पहले की सरकारों की गलत नीतियों का खामियाजा यहां के किसानों को भी भुगतना पड़ा है। पहले की सरकार में गेहूं की खरीद होती ही नहीं थी, गन्ने का भुगतान होता ही नहीं था, लेकिन इन 5 साल में यूपी में गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। किसान सम्मान निधि का पैसा भी सीधे किसानों के खातों में पहुंच रहा है। मैं मेरे छोटे किसानों के लिए नई नई योजनाएं लेकर के आता हूं ताकि मेरा छोटा किसान एक बार आत्मनिर्भर बन जाए तो मेरा छोटा किसान गांव से गरीबी को भगाने में मेरा बहुत बड़ा सिपाही बनने वाला है। भाइयों बहनों, गन्ने का भी जितना भुगतान योगी जी की सरकार ने किया है उतना सपा बसपा दोनों ही सरकारों के 10 साल में नहीं हुआ। लेकिन पिछली सरकारों में तो प्रदेश की 21 चीनी मिले बंद हो गई, चीनी मिले बंद हो गई। भाइयों, इन्हें एक और मौका मिल जाता तो ये हरदोई की चीनी मिले भी उस पर भी अलीगढ़ का ताला लगा देते जी। लेकिन ये हरदोई के लोग समझदार हैं, इसलिए उनका खेल चलने नहीं दिया। अच्छा हुआ आपने पहले ही इनकी फैमिली इंडस्ट्री पे ताला लगा दिया।
साथियों, पहले की सरकारों में काम केवल कागजों पर होता था और भुगतना यूपी को पड़ता था, लेकिन अब विकास भी होता है और जनता तक पहुंचता भी है। आज हरदोई के पास अपना एक मेडिकल कॉलेज है और ये मेरा सौभाग्य है कि इस मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने का मुझे अवसर दिया आप लोगों ने। बगल में शाहजहांपुर में भी एक मेडिकल कॉलेज है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक ये क्षेत्र हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे जैसी बड़ी सौगात हरदोई और इस पूरे इलाके को मिली है। यहां का हथकरघा उद्योग, यहां के कुटीर उद्योग, यहां के व्यापारी सबको छोटा मोटा कोई ने सहारा मिला है, लाभ मिला है। साथियों, आज मैं हरदोई से एक और महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं और मैं चाहूंगा सिर्फ आप नहीं, अगर टीवी पे मेरा भाषण कोई सुन रहा है तो मेरे देश के वासियों को मैं कहता हूं, मैं गंभीर विषय की आज यहां से चर्चा करना चाहता हूं, आप भी मेरी बात को गौर से सुनिए। मेरे देशवासियों, मैं विस्तार से आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये ऐसा विषय है जिससे सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरा देश प्रभावित होता है। ये विषय है आतंकवाद। पिछले अनेक दशकों से हमारा देश आतंकवाद का कहर झेलता रहा है। जिहादी संगठनों की कुदृष्टि हमारी धरती, हमारी संस्कृति और हम लोगों के पर लगातार वो कुदृष्टि रही है। और हम आप सभी जानते हैं कि जब आतंकी हमला होता है, आतंकवाद बढ़ता है, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब को, मध्यम वर्ग को, उन्हीं को उठाना पड़ता है, उन्हीं को निभाना पड़ता है। जब आतंकी हमला होता है तो सामान्य मानवीय की जिंदगी प्रभावित होती है, व्यापार कारोबार प्रभावित होता है, पर्यटन ठप पड़ जाता है। आपको याद होगा एक समय था जब हर कुछ सप्ताह के बाद देश में बड़े बड़े बम धमाके होते थे, सीरियल ब्लास्ट होते थे। कभी मुंबई में बम फूटता था तो कुछ दिनों के बाद दिल्ली में बम फूटता था, थोड़े दिनों के बाद जयपुर में बम फूटता था, फिर थोड़े दिन के बाद बेंगलुरु में बम फूटता था, फिर थोड़े दिन के बाद हैदराबाद में बम फूटता था, कभी गुवाहाटी में बम फूटता था, कभी लुधियाना, कभी अगरतला, कभी इम्फाल। हिंदुस्तान के हर कोने में कितने ही शहर उस दौरान बम धमाकों से धराए, कितने ही निर्दोष नागरिक उन हमलों में मारे गए। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री के रूप में वहां की सेवा कर रहा था तो उस दौरान अहमदाबाद में भी सीरियल बम धमाके हुए थे और उनका षड्यंत्र तो और शहरों में भी था। मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकता हूं साथियों। और उसी दिन जो लोग इन धमाकों में मारे गए थे, धरती खून से लाल हो चुकी थी, माताएं बहनें के आंसू रुकते नहीं थे,
मैंने उस रक्त से गीली हुई इस मिट्टी को उठा करके मैंने संकल्प लिया था कि मेरी सरकार इन आतंकवादियों को पाताल से भी खोज करके सजा देगी। साथियों, आपने देखा है अभी दो दिन पहले ही अहमदाबाद बम धमाके के दोषियों को सजा मिली है। जो हम भारतीयों को तबाह करना चाहते थे उन्हें अदालत ने सजा सुनाई है। अनेक आतंकवादियों को फांसी की सजा मिली है। दोस्तों, आज मैं विशेष तौर पर इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं। ये राजनीतिक दल वोट बैंक के स्वार्थ में आतंकवाद को लेकर नरमी बरतते रहे हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत खतरे की बात है, इसलिए हर देशवासी को इसके बारे में जानना जरूर चाहिए। साथियों, अरे गुजरात में बम धमाके हुए, कभी आपने सुना नहीं होगा इस बम धमाके कैसे धमाके किए गए थे। दो प्रकार से किए गए। पहले शहर में एक साथ 50-60 जगह पे धमाके, और उसके दो घंटे के बाद अस्पताल में एक गाड़ी रखी थी उसमें बड़ा धमाका, ताकि इन लोगों को जब अस्पताल लेके आए, उनके रिश्तेदार आए, अफसर आए, नेता आए, तब वो कार धमाका करे अस्पताल के अंदर। शायद ही पहली बार आतंकवादियों ने धमाका किया होगा। वहां भी काफी लोग मारे गए, लेकिन इन्होंने क्या किया साथियों, इन्होंने क्या किया, यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। आप देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे, और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे, और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। यहां उत्तर प्रदेश में साथियों, 2006 में काशी में बम धमाका हुआ था, संकट मोचन मंदिर भी धमाका किया गया था, वहां के कैंट रेलवे स्टेशन भी हमला किया गया था। तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जब 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से सत्ता में आई, तो इन लोगों ने शमीम अहमद नाम के आरोपी पर ये बम धमाका का जो चल रहे थे मुकदमों को वापस लेने का फैसला लिया था। भाइयों बहनों, क्या ये आपको मंजूर है? जिन्होंने काशी में धमाके किए उनके केस वापस लेने का निर्णय उचित था क्या? ये लोगों को आप कभी भी मौका देंगे तो ये अपनी वारदातें करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसे ही आपको याद होगा 2007 में गोरखपुर में आतंकी हमला हुआ था,
2013 में समाजवादी सरकार ने तारिक कासमी नाम के आरोपी से केस वापस ले लिया था, लेकिन अदालत इसके लिए तैयार नहीं हुई और फिर तारिक को समाजवादी सरकार ने केस विड्रॉ करने का निर्णय कर लिया था। अदालत ने मना किया, केस चला और परिणाम क्या आया, 20 साल की सजा हुई दोस्तों, 20 साल की सजा। उसको वो बचाना चाहते थे। ऐसे ही 2007 में लखनऊ अयोध्या के कोर्ट परिसर में बम धमाके हुए थे। 2013 में समाजवादी सरकार ने फिर आतंकी पर चल रहा मुकदमा वापस ले लिया था, लेकिन इस मामले में भी अदालत ने समाजवादी सरकार की साजिश नहीं चलने दी और आतंकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसे ही यूपी में एक दो नहीं बल्कि आतंकी हमलों के 14 मुकदमों में समाजवादी सरकार ने बहुत सारे आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का फरमान सुना दिया था। क्या आतंकवादियों पर रहम करना ठीक है क्या? आप जरा बताइए, रहम करना ठीक है क्या? आतंकवादियों को बचाने के खेल ठीक है क्या? और आज लिपापोती करने निकले हो, ये लोग विस्फोट कर रहे थे, धमाके कर रहे थे और समाजवादी पार्टी सरकार इन आतंकवादियों पर मुकदमा तक नहीं चलने दे रही थी। आतंकवादियों को केस वापसी का रिटर्न गिफ्ट दिया जा रहा था। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का रवैया और भी खतरनाक रहा है। ये लोग ओसामा जैसे आतंकवादी को जी कहकर बुलाते हैं। ये लोग बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के सफाई पर आंसू बहाते हैं। ये लोग किसी दिन भारतीय सेना का अपमान करते हैं, किसी दिन पुलिस को बेइज्जत करते हैं, जबकि हमारी सरकार ने नेशनल वॉर मेमोरियल और नेशनल पुलिस मेमोरियल बनाया है। हम हर शहीद का सम्मान करते हैं। इतने वर्षों तक मैं इसलिए चुप रहा क्योंकि अहमदाबाद ब्लास्ट केस की सुनवाई चल रही थी। आज जब अदालत ने आतंकियों को सजा सुना दी है तो मैं अब विषय को देश के सामने उठा रहा हूं और मैं आज गुजरात पुलिस की भी प्रशंसा करूंगा कि उसके प्रयासों से आतंकियों के कई मॉड्यूल्स का खात्मा हुआ है। मैं चाहता हूं, मैं आज विशेष रूप से जो लोग अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, जो लोग मीडिया में अपना कर्तव्य भाव समझते हैं, जिनसे हम आशा कर सकते, जिनसे आशा नहीं करते उनको हम प्रार्थना भी नहीं करते, उनका समय हम बर्बाद करना नहीं चाहते, लेकिन बहुत लोग हैं जिनसे देश आशा कर सकता है, देश उन पर भरोसा कर सकता है। इसलिए मैं ऐसे मीडिया हाउसेस को, मैं ऐसे अखबार वालों को, मैं ऐसे लेखनी लिखने वाले से आग्रह करूंगा, देश के सामने इन तथ्यों को उजागर किया जाए। अब अदालत ने जब न्याय दे दिया है तब देश के लोगों के सामने पर्दे के पीछे की बातें खोज करके मिलाना, पहुंचाना, मुझे विश्वास है अगर यह चुनाव की आपाधापी न होती तो सब हफ्तों तक, ये अहमदाबाद के अदालत का फैसला है, हफ्तों तक चलता। मैं चाहता हूं ये सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए, देश को जागरूक करने का काम
सिर्फ राजनीतिक दलों का नहीं, हम सबका है। और इसलिए मैं विशेष रूप से मीडिया की चुपकी जी चल रही है, मैं उनसे कहता हूं जी खोल करके सच्चाई देश के सामने लाइए और देश की रक्षा में आप भी सहायक बनिए। हमें ऐसे लोगों से, भाइयों बहनों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसे राजनीतिक दलों से हमेशा सतर्क रहना है। ये लोग कुर्सी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए देश को भी दांव पर लगा देते हैं, देश के सुरक्षा से भी खिलवाड़ कर देते हैं। साथियों, यूपी का तेज विकास सबसे प्रयास से ही हो सकता है, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका प्रयास होना चाहिए कि नहीं, जरा जोर से बताइए, सबका प्रयास होना चाहिए कि नहीं? हर किसी ने प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो 23 तारीख को कमल के बटन पे वोट करना, ये भी सबके प्रयास का हिस्सा है। करोगे ना? ये प्रयास सब मिलकर के करोगे ना? सुबह जल्दी जल्दी निकलोगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करोगे? ऐसा तो नहीं होगा ना, अरे मोदी जी तो हर बार आते हैं, इस बार आए, बड़ी जोरदार सभा कर दी, बड़ा मजा आ गया, चलो अब तो जीत जाएंगे, चलो सो जाते हैं, ऐसा तो नहीं करेंगे ना? ऐसा नहीं करोगे ना? घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, एक एक मतदाता को मिलेंगे, हर मतदाता से हमारी बात पहुंचाएंगे, और मोदी जी ने प्रार्थना की है वोट देने के लिए, वो करेंगे। मेरे नाम से लोगों को प्रार्थना मेरी पहुंचाओगे? देखिए दोस्तों, मेरे देश के मतदाताओं, मेरे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं, मेरे इस क्षेत्र के मतदाताओं, उनको प्रणाम करके मेरी बात पहुंचाइए। मोदी जी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है, आप भारत के भविष्य के लिए, उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कमल के निशान पर वोट दीजिए, कमल के निशान पर वोट दीजिए। घर घर पहुंचे दोस्तों, अभी भी आपके पास 2-3 दिन का समय है, पूरी ताकत लगा दीजिए। याद रखना है, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। बोले मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जब भी उम्मीदवारों से मेरा आग्रह है, जरा आगे आ जाएं, उम्मीदवार आगे आ जाएं।